मेरे अजीज़ों बच्चों बेटियों बहनों भाइयों बुजुर्गों आज मुझे कहा गया है कि अल्लाह के, अल्ला के नबी से मोहब्बत के निशानी क्या है तो मैंने दो हदीसें पढ़ी हैं उस बाद में बात करेंगे हमारे नबी मोहब्बत के काबिल कैसे ना हों जिनसे अल्लाह प्यार करता है والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اسمي ایک تو ترجمة ترجمہ ہے وضحا روشنی کی قسم वल्लीजा सजा जब रात छा जाए उसकी कसम मावदा का रबू का वमा आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं और आपका रब आप पे नाराज़ नहीं कला नाराज़ काफ नहीं मिलाया मावदा का रब्बू का वमा कला का ये होना चाहिए था लेकिन वहाँ काफ को हटा दिया कि नाराज़गी के, के लफ्स के साथ अपने नबी के नाम को नहीं जोड़ा ये तो अल्लाह का एजाज और इकराम है इमाम राजी तफसीर के किंग हैं उनके दो में बताता हूँ वहाँ महबूब आपके रोशन इल्म की कसम वल इजा सजा आपकी चादर की कसम काली चादर की कसम जिसमें आप अपने गुनागारों को छुपा लेंगे तीसरा तर्जुमा ये इमाम राजी की बात है इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ वहा ये मुझे सबसे पसंद है जो अब मैं कहने लगा हूँ वहा महबूब आपके खूबसूरत चेहरे की कसम व्ल इजा सजा आपकी स्याह जुल्फों की कसम आपके स्याह फैले हुए बालों की कसम भला आपका रब आपको छोड़ सकता है भला आपका रब आप पे नाराज़ हो सकता है ये हरगिज नहीं अलम ये जिद का ये हाँ वलल आखरा तो खैर का उला ये दुनिया जाने वाली है आखरत बाकी है आपने फरमाया सैदे आदमल वला फखरा क़यामत के दिन देखोगे सरदारी मेरे हाथ में होगी लिवामद बेदी क़यामा क़यामत के दिन देखोगे अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा ख़तीब हम इज़ा उनसतु लोग खामोश होंगे मैं बोलूँगा अन क़ायद हम इज़ा वफदु लोग चलेंगे मैं लीड करूँगा अना शाफ हम इज़ा हबसु कदम रुक जाएंगे मैं शफात करूँगा अनमशर हम इन उम्मीद होंगे मैं खुशखबरियाँ सुनाऊँगा इजाज़त है खड़े हो के पीलू <गएगा> मफाती हुल जन्नत बिजदी यो क़ियामा जन्नत की चावी क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी यतूफू अलैया अलफ़ ख़ादिम खादम का अन्नहुम हम लोलुम मकनून चाली मेरे गिरद एक हज़ार जन्नत के खुदाम खड़े होंगे मैदान माशर में इन्नी व उम्मीत कुमिन मिनल अर्द के दिन मैं और मेरी उम्मत एक ऊंचे मकाम पर खड़े होंगे बाकी सब नीचे होंगे मेरे रब मेरे रब कैर वोफी का रब का फतर ये आयत मेरे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब मैं आपको इतना देने वाला हूँ कि आपको भी नहीं पता जो मैंने आपके लिए आपकी आँखों की ठंड के लिए तैयार किया है आप जानते नहीं मेरे महबूब कि आपका रब आपको क्या देने वाला है फत मेरे महबूब आपका रब आपको इतना देने वाला है आप सोच भी नहीं सकते अलम यजीद का यती अब, अब पीछे ये, ये सूरत आई क्यों आप पर वही बंद हो गई और आप उदास हो गए और कुरैश मक्का कहने लगे गए वद रब हो वाला इसका रब इसको छोड़ गया इस पर नाराज़ हो गया गैरों की बात बुरी भी बुरी लगती है अपने कुछ कह दें तो ऐसा लगता है जैसे खंजर लग गया तो हज़रत खदीजा ने कह दिया अल्लाह नाराज तो नहीं बस ये सुनना था कि आपका दिल मुट्ठी में आ गया और उसी वक्त जिबरील हांपते कांपते आ गए वोहो अकबर देखो मसलन मैं फौजान पे नाराज हो जाता हूं तो वो मुझे आकर मेरा एक्सप्रेशन देखता ना कहता मौलाना अल्लाह की कसम मैं आप पे नाराज़ नहीं हूँ मौलाना अल्लाह की कसम आपको शक पड़ गया आपको याद नहीं हमने आपको दो साल पहले बुलाया उसके अगले साल भी बुलाया अभी भी बुलाया और आपको इतना प्रोटोकॉल दिया भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ ठीक होगी बात ये फौजान समझ में आ गई बात अब अल्लाह तला कह रहा है मेरे नबी मुझे कसम है दिन और रात की मुझे कसम है तेरे इल्म और तेरी चादर की मुझे कसम है तेरे चेहरे तेरे खूबसूरत बालों की मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा कैसे कैसेअलमद का यतीम फ़ आवा आपको याद नहीं आप यतीम थे मैंने आपको ठिकाना दिया ववाद फहदा आपको याद नहीं आपको याद नहीं आप मेरी तलाश में थे मैंने आपको अपना आप बता दिया ववा जद का आपको याद नहीं कि आप बड़ी तकलीफ़ में थे और आ, कमी में थे तो मैंने खदीजा से आपकी शादी करवा के आपको मालदार बना दिया अगली सूरत भी इसी से जुड़ी हुई है अलम नश्रह कदरक मैंने आपका सीना खोला भला मैं नाराज़ हो सकता हूँ आना आन का वज रख मैंने आपके बोझ हटाए भला मैं नाराज़ हो सकता हूँ अलजीअन का दज़ाहरक वो बोझ जिन्होंने आपको दोहरा कर दिया था मैंने वो बोझ हटाए भला मैं पे नाराज़ हो सकता हूँ वफ़नाल का जिक रक और मैंने आपके नाम को बुलंद कर दिया भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ इन्ना आता इना कल कोसर हमने आपको जन्नत की चाबी पकड़ा दी भला मैं आप पे नाराज़ हो सकता हूँ फिर आगे नसीब की फ अम्ल यतीम फ़ला तखर व अम्मा साफला तनहर व अम्मा बे नहमत रब तो मेरे महबूब आप, तो आप यतीम थे कोई यतीम आए तो अब आपने उसके साथ वो करना जो मैंने किया मेरे महबूब आप मेरी तलब में थे आपसे कोई हिदायत तलब करने वाला आए तो आपने वो करना है जो मैंने किया और मेरे महबूब मैंने आपको एक मालदार घराने में शादी करवाई तो आप, आप भी अपने रब की नेमतों को लोगों को बयान करें इस सूरत में इतना खूबसूरत तनासब है पीछे चलो माव्या का रब दलील क्या है अलम यजिद का यतीमनफ आवा भला मेरे महबूब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आप यतीम थे मैंने ठिकाना दिया का रबरला तो अगली आयत आ रही है अलम जद का यतीमनफ़ आजद का वनफहदा वल आखरत खैरलूला इसका उसके साथ जोड़ है व वजद काफ़ अगना इसका आखिरी आयत के साथ जोड़ है व वजद का आनफ अगना और वो फोती का रबर अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ पहली मा बदा का रबो कवाामा कला ये जाके जुड़ती है अलम यजिद का यतीम फावा वल आखर तो खैर के मन अलऊला वल सो फयती का रब का फतर और आगे क्या आ रहा है ववज़द वजद का दौलन फहदा ववज़द वजद का आलन फना ये तीन तीन का सेट है मावदा का रब का वमा कला ये ये जाके जुड़ता है अलम फ़ावा, यतीमनफ़ आवा वला मिन खैरूला ये जाके जुड़ता है वजद कहदा वो कब का फ़तरदा ये जाके जुड़ता है वजद काफ़ अग़ना फिर अगली तीन इन ऊपर वाली तीन से जुड़ती हैं मेरे महबूब अम... यजद यतीम फ़ावा फल्ला तला आगे फरमा रहा है

मैंने आपको अपनी तलब में अपना आप दिखाया आपके पास लोग तलब लेकर आएंगे तो आपने उनको डांटना नहीं उनको हिदायत का रास्ता बताना है वो फ़ै का रब का फतरदा व अम्मा बेनमत रब का फहदस ये सुरत वल्लहा में ही मैं गुम हो जाऊँगा मुझे तो थोड़ा आगे ही बताना है कि मेरे नबी से मोहब्बत क्यों ना करें कि उनसे अल्लाह प्यार कर रहा है उनसे अल्लाह मोहब्बत कुरान ने कसमें उठाई हैं

ए मेरे महबूब मुझे आपके रब की कसम अब थोड़ा गौर फरमाए अल्लाह मेरे नबी का रब है अल्लाह हम सब का रब है अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं मुझे आपके रब की कसम तो लगता यूं है कसम उठाने वाला रब कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है फला व रबिक मुझे आपके रब की कसम ये अरबी में जब मोहब्बत के इंतहा हो तो यूँ बात की जाती है ये मोहब्बत की इंतहा जब अल्लाह प्यार करता है तो हम क्यों ना करें मेरे महबूब मुझे आप के रब की कसम लो मन ये आप टोरंटो वालों को बता दें हथा युक के मुँह का फीमाशा जराबा हम जब तक आपकी गुलामी में नहीं आएंगे जब तक आपका इश्क और मोहब्बत नहीं होगा मैं इनके ईमान को कबूल नहीं करूंगा इस पर एक वाक़ा सुनाता हूं एक सहाबिया है या रसोल्ला मेरा पड़ोसी है उसकी खजूर ऐसे टिड़ी होकर मेरे घर में चंद उसकी शाखें हैं उन पे फल लगता है वो टूट के गिरता है मेरे बच्चे उठा लेते हैं हम गरीब हैं वो भागा भागा आता उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है उसको कहें कि बच्चों पर इतनी ज्यादती ना करें आपने उसको बुलाया वो मुनाफिक था आपने उससे फ़रमाया भाई एक सौदा करते हो का जी क्या का ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मैं खजूर ले के दूँगा वो कहने का यार रसूल अल्लाह ये असल में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है कोई और खजूर होती मैं दे देता ये तो मेरी माजरत है वो तो मुनाफिक था ट के चला गया एक सहाबी बैठे थे ए। वो कहने यार अगर मैं वो खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में ले देंगे उनका नाम है दाहदाह आपने कहा तू मुझे लेके दे दे मैं तुम्हें ले दूंगा वो उसके पीछे चले गए ए भाई कितने में बेचोगे मैंने कहा जा जा मैंने अल्लाह के नबी को नहीं दी तुम्हें कैसे दे दूँ कहा अच्छा भाई मुँह से बोल मुँह से बोल कितने लेने हैं तो उसने जान छुड़ाने के लिए कहा कि अपना सारा बाग मुझे दे दे खजूर ले ले बाग में 600 सौ हैं, और ये खजूर किसी और को देनी है तो कहता है पक्के हो फिरोगे तो नहीं कहा मैं पागल हूं मैं फिरूंगा मुझे छः खजूरों का बाग मिल रहा है उन्हें कहा डन खजूर मेरी बाग तेरा और भागे भागे आए या रसूल अल्लाह मैंने सौदा कर लिया का कैसे किया का सारा बाग देके खजूर ले ली आपने कहा फिर मेरा सौदा भी बदल गया कम मिन आदकन रदाहा वदारन फयाहा ले अबिद दाहदाहा फिल जन्ना मेरे साथी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में एक घर नहीं महल बना दिए सैकड़ों और एक बाग नहीं हजारों बाग तेरे लिए तैयार कर दिए ये है ईमान की निशानी ये है मोहब्बत की निशानी मेरे नबी की जिससे ये हमारे बच्चे नहीं है ये खिलाड़ियों जैसे बाल बनाते हैं एक छोटा सा बच्चा मुझे कराची में मिला तो वो वो जो अजीब से बाल नहीं यहां से ऊपर हो जाते हैं तो मैंने कहा ये तुमने बाल कैसे बनाए हुए हैं आपको पता नहीं ओ, मैसी कोई था मैसी हाँ हा, आपको पता नहीं मैसी के बाल ऐसे हैं कहा बेटा बुरे लगते हैं कहा कैसे मै, मैसी के बाल हैं बुरे कैसे लगते हैं जब बाद में किसी को बड़ा बना लेता है उसको फॉलो करता है अल्लाह से अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की निशानी क्या है कि हमने उनको फॉलो करना है उनकी ज़िंदगी सिर्फ पाँच नमाजें नहीं हैं उनकी ज़िंदगी सिर्फ तीस रोज़े नहीं हैं हज नहीं है अब हर लाइन से इसकाबिल हैं कि आपसे प्यार किया जाए अब अपने वज़ा शक्ल सूरत सबसे पहली चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो सूरत है वो शक्ल है वो मंजर है कि आदमी उसमें गुम हो जाता है मेरा इधर नारायण में बयान हो रहा था तो उन्होंने बाहर बयान रख दिया सामने इतना खूबसूरत मंजर था कि मैं बोलते बोलते उधर देखता तो मुझे अपना मजमून भूल जाता कि मैं क्या कह रहा था ये तो दुनिया है अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया एक बद्दू औरत है अनपढ़ औरत है उम्म उमदल्खज़ा वो मेरे नबी का हुलिया बताती है आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूज़िक वो आप सब मासूस करेंगे वो बद्दू औरत कहती है रही तो रजोलावा أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت

सुबहान अल्लाह क्या कहें इंतहाई खूबसूरत इंतहाई हसीन जमील पेट निकलो नहीं के बदसूरत हो जाए पेट निकलो तो आदमी सज्जे पासे पेट खब्बे पासे पेट सजे पासे आप खब्बे पास अरे भाई समझ के खाया करो हम खाने नहीं आए जिंदगी गुजारने आए हैं रमज़ान में कैसी तबाही फैलाते हो समोसे भी पकोड़े भी मछली भी मुर्गी भी फिर ऊपर से सेवन आप वो कहते हैं उसन तो गैस होती है उसका गैस बाहर निकलती है तो डकार आता कहता शुक्र है हाजमा हो गया वो हाजमा नहीं होता रसत अनास हो गया का इतना खूबसूरत था कि सर से पाँव तक हुसन उसका ग़ुलाम था खूबसूरती उसकी बांधी थी और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुसन हुसन नजर आता था और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आँख नहीं भरती थी मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊँ देखती जाऊँ देखती जाऊँ मेरा दिल नहीं भरता था कौन वसीम वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल न भरे कसीम जिधर से देखो हुसन हो उसे कहते हैं कसीम का उसकी आँखें बड़ी मोटी आहवर अदाज अशकल अंजल अब्रज अहदब ये सब मेरे नबी की आँखों की तारीफ़ है इन पाँच छः अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आँख किसी की बनाई नहीं थी हसनों जमाल आँखों में और पलकें बड़ी लंबी ये औरतें यहाँ बोल नकली लगा लेती हैं ना लम्बा लंब लब्बा करने के लिए तो मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे हुसन को बढ़ाने के लिए दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी जबान में आवाज़ में जादू था आवाज़ में कशिश थी आवाज़ में एक ऐसा दिल खिंचता था गर्दन लंबी थी सर से पाँव तक हुसनों जमाल था जब वो बोलते थे नूर छा जाता था जब वो खामोश होते थे वक़ार छा जाता था और सवा अलबतने सदर, सीना और पेट बराबर सब तलकब सीधा कद था सीधा कद बिल्कुल सीधा कद अरेज़ालमन के बहन छाती चौड़ी थी तवील बाजू लंबे थे रहब राह ये हथेली बड़ी चौड़ी थी चौड़ी हथेली सखावत की निशानी होती है रहब मसीहद पाँव इतने नरम थे लगता था उस पर तेल लगा हुआ है और पानी उससे यूं नीचे चला जाता था और यमशी तकफियन कंधे झुका के चलते थे यहाँ चार आदमी सलाम करें तो आदमी यूं हो जाता है और मेरे नबी को फरिश्ते सलाम कर रहे हैं और आप यूं चलते थे ऐसे ऐसे चलते थे थोड़े से कंधे झुका के चलते थे ऐसे आप कभी नहीं चले जो देखने में ऐसा हसीन हो उससे प्यार क्यों ना किया जाए अगर अपने नबी से प्यार ना करें तो किस से प्यार करें कौन वफादार है हे क्या मत का मंजर होगा ما أبني بأعكم سأقول كم أنتوا مي نهيّة ميري قسم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يود المجرم لو يفتدى يومئذ إذن من يوم إذن بنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلته التي توويه ومن في الأرض جميعا كلا قامت كدن ما أقول صفية سفيه تومي نهيّة मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती ये यूसफ मेरा बेटा बैठा है मैं कहूँगा कौन हो कहाँ से हो ये कहेगा अब्बा आप कौन हो कहाँ से हो भाई भाई को नहीं पहचानेगा माँ माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब نفسي نفسي آدم عليه السلام نفسي نفسي نوح نفسي نفسي إبراهيم عليه السلام نفسي نفسي إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف يونس عيسى موسى يوشا لوط شعيب صالح هود سارة أنبياء نفسي 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 مرجان بچا मेरी जान बचा एक तरफ से एक आवाज आएगी एक आवाज आएगी उम्मती उम्मती वाह यार रसूल अल्लाह हम आप पे कुर्बान जाए जिस दिन माँ नहीं पूछ रही नबी नहीं पूछ रहे बेटा नहीं पूछ रहा भाई नहीं पूछ रहा यार बब उम्मती उम्मती या रब उम्मी उ उम्मी या लमेरी उम्म या लमेरी उम्म या लमेरी तो नज़रें तवाफ़ करेंगी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ये कौन बोल रहा है सबसे अलग कौन है जो उम्मी उ कह रहा है जब नज़रें आवाज़ की तरफ चलते 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 पहुँचेंगी तो वहाँ मेरे आपके झोली फैला के खड़े मेरी उम्मत को मेरी उम्मत को कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबे बेचते रहे जुए खेलते रहे जिना करते रहे सूत खाते रहे झूठ बोलते चोरियां करते रहे मेरा नबी कह मेरी उम्मत को बचाले मेरी उम्मत को बचा, उम्मत को बचा तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे मौत पे रिश्ते टूट जाते नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे ईसा इस कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं देकर मेरी जान मुझे जब मरियम जाने तू जाने मेरी ईसा पांच बड़े रसूल हैं नूह इब्राहिम ईसा मोहम्मद सल्लासवा तस्लिमत ईसा कहेंगे या मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर मेरी जान और बेरा नबी अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले कौन सी उम्मत उन्हें सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया मेरा नबी कहता दफा हो जाओ दूर हो जाओ मेरी नज़रों से तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया सब बिलात ये नहीं कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा नहीं या सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल यहाँ अल्लाह कहेगा वाला सोफ माफी चाहता हूँ जज्बाती हो गया हूँ मेरे भाई बहनों मेरे बच्चों थोड़ी सी जिंदगी मिली है थोड़ी सी जिंदगी मिली है अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो